तैरने के अलावा तैरना सीखने का कोई भी उपाय नहीं है। आपको तैरना सीखना है तो पानी में कूदिए और तैरना शुरू कर दीजिए, और अकेले नहीं, ज्यादा गहरे पानी में मत जाना, लग थोड़ा हाथ पैर मारते रहो तो सीख जाओगे आप। आपको जो भी कुछ करना है वो करना शुरू कीजिए, वो करना ही आपको सिखा देता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मैव गुरु कर्मैव ईश्वर। नारायण भगवान ने ऐसी इतनी सुंदर बातें कही, बाबा की समझ में आ गई। बाबा ने कहा बेटा सही बोल रहे हो। भगवान ने कहा बाबा आज के बाद इंद्र का पूजन नहीं होगा, गिरिराज का पूजन होगा। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने घोषणा कर दी, चारों वर्णों के लोग एक जगह पर बैठ के हम भोजन करेंगे। भगवान के स्थान में कोई भेद नहीं है, आप अपने शादी विवाह घर में जो करना कीजिए, भगवान की कथा में कोई भेद नहीं, भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं। सारे लोग चारों वर्णों के लोग भोजन करेंगे, गायों का भी भंडारा होगा, वहां कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब लोग भोजन करें। भगवान ने आह्वान कर दिया, वहां चले गए नारायण और वहां पूजन जब गिरिराज का हुआ, हजारों लोग पहुंचे वहां, भगवान को भोग लगाया, आरती, और जैसे स्वस्ति वाचन हुआ भगवान ने सोचा ये कहीं कर्मवादी अनिश्वरवादी न बन जाए। मैंने अभी कर्म की प्रेरणा दी, कहीं ये अनिश्वरवादी न बन जाए, और ये मैंने गिरिराज का पूजन करने के लिए बोला ये कहीं जड़वादी न बन जाए, प्रकृतिवादी। भगवान चाहते थे कि कर्म के साथ मैं ईश्वर जोड़ दूं और इस जड़ प्रकृति के साथ पुरुष जोड़ दूं, तो अनिश्वरवाद से बचेंगे और इस जड़वाद से बचेंगे, ईश्वर के साथ भी जुड़े रहेंगे और पुरुषार्थ की प्रेरणा भी इनके अंदर होगी। जैसे भगवान को भोग लगा नारायण, और वहां दो रूप प्रकट हो गए, एक तो भगवान गोद में बैठे बाबा के, और दूसरे रूप में गिरिराज के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो। और वो प्रकट होकर के भोजन करने लगे। आप भगवान को भोग लगाते हो कि भोजन कराते हो? आप लोग भगवान को भोग लगाते हो, भोग लगाना मतलब भगवान को दिखाना और स्वयं खा जाना। आज भगवान को भोग नहीं लगा फणिराज जी, आज भगवान को भोजन मिला, भरपेट भगवान ने भोजन किया और भगवान ने दिखा दिया बाबा देखो देखो गिरिराज प्रकट हो गए, चमत्कार था बहुत बड़ा। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने दिखा दिया ये गिरिराज ही भगवान है, सबके अंदर विश्वास हो गया। आज भी जाओ वृंदावन में गिरिराज की खादी जरूर परिक्रमा कर लेना, साक्षात भगवान का रूप है वो। बोले गिरिराज भगवान की जय, सलोस्मी ऐसा बोला भी भगवान ने। भगवान ने बोला भी मैं हूं मैं तुम्हारा रक्षक, ऐसा बोला भगवान, चमत्कार दिखाया कृष्ण। भगवान का पूजन हुआ, नारायण खाना पना सब हो गया और सब आनंद मनाते हुए जब वो निकलने लगे तब इंद्र को मालूम पड़ा ये कोई धुआं हुआ निकला नहीं, यज्ञ नहीं हुआ, क्या बात है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सोचा 5 वर्ष के बालक ने मेरा इंद्र यज्ञ रोक दिया, अभी मैं देखता हूं। बारिश सामर्थक नाम के गुणों को आदेश दिया, बादलों को बरसाओ, बारिश आंधी तूफान बोले और इस ब्रज मंडल को बच्चे को सबको खत्म कर दो। बारिश शुरू हुई और वो बारिश नारंदी आंधी आंधी ओले तूफान त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान की शरण आए सब लोग, बचा लो प्रभु प्रभु बचा लो बचा लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा डरो मत डरो मत डरो मत, तुमने अभी किसका पूजन किया? गिरिराज का। चलो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। गिरिराज के पास पहुंचे नारायण, थोड़ा दूर आए थे, भगवान ने यूं ऐसे इच्छा मात्र पर्वत को अपने अंगुली के ऊपर धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय।
भगवान ने कहा कि अब ये गड्ढा हो गया है, इसके अंदर आओ, तुम आओ सारे लोग, अब तुम्हारी रक्षा होगी। सारे हजारों लाखों लाखों लोग उसके अंदर समाविष्ट हो गए। गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान ने 7 दिन तक अंगुली पर धारण किया। बारिश, आंधी, ओले, तूफान, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। एक आश्चर्य की घटना घटी, दुनिया के इतिहास में पहली बार वहां पर ब्रजमंडल में हजारों गाय, जंगली शेर, भालू, चीते, हिरन, खरगोश और वो जीव जंतु जो जंगल में रहते थे, उनका क्या हुआ भाई? बचे वो जो भगवान के छत्र के नीचे आए, लेकिन बाकी का क्या हुआ? अरे भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी नारा, सारे जीव जंतु वहीं पहुंच गए और वो जितने भी आते उतना बढ़ता जाता। भगवान की ऐसी माया, वहां लाखों लाखों जीव जंतु भगवान के पास है। वही हाथी, वही शेर, वही भालू, वही चीते, वही खरगोश, वही हिरन, सब भगवान के पास है, भगवान के नीचे। किसी के भी मन में हिंसा नहीं है। अब वो छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे तो क्या वो समाधि लगा के बैठे थे? उनको बड़ा मजा आ रहा था, वो हाथी के सूंड को लेकर लटक रहे थे और वो शेर भालू चीते के बालों को पकड़ के खेल रहे थे और वो भी आराम कर रहे थे। 7 दिन तक आनंद आया। आज भगवान ने जीव जंतु दुनिया के सारे जीवों का आह्वान किया, ये देखो मैं भगवान और यहां अहिंसा, ये सारे अपने मेरे लोग हैं। अद्भुत लीला की भगवान। आप कभी ऐसा चित्र की कल्पना करना, ऐसा चित्र आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया, लेकिन वास्तविकता तो यही है। ऐसा गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, वहां सारे जीव जंतु भगवान के पास है। 7 दिन हुए नारायण। इंद्र ने कहा और बरसाओ, और बरसाओ। बादलों ने कहा टंकी खाली हो गई, पानी खत्म, कहां से बरसाए? अहंकार टूटा और नारायण भगवान के चरणों में वहां पहुंच गया। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को जहां का वहीं रखा। सारे जीव जंतु जिधर से आए थे ना उधर भगवान को प्रणाम करके चले गए। बोले गिरिराज धरण भगवान की, बहुत सुंदर लीला है भगवान की। है मैंने बड़े संक्षेप में आपको सुनाया है, ये आपके कथा का अंतिम दिन भी है और बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं महाराज। भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रकट करने के बाद रास लीला की है। पहले भगवान ने दिखा दिया मैं भगवान हूं, उसके बाद रास लीला। बहुत सुंदर है रास, माने जीवात्मा का परमेश्वर से मिलना है। गोपी गीत का गान हुआ, भगवान ने अनेकों लीलाओं में नारायण युगल गीत का गान, अरिष्ट असुर का उद्धार किया, केशी असुर का उद्धार किया, उसके बाद नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज जी ने कंस को कहा कि बेटा भगवान का आगमन हो गया है, एक बात मैं आपको सुना कि मैं इस कथा को एकदम छलांग लगा के आगे ले जाऊंगा। आप जब भी नारद जी महाराज जी का चरित्र सुनते हो तो कुछ गड़बड़ लगता है ना आपको? मैं बोलूं आओ नारद तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। नारद की उपमा आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि नारद को लोगों ने दिखाया ऐसा है, कली का नारद, झगड़ा लगाता है वो ऐसा। लेकिन नारद, नारदो देवदर्शन विरक्ता नाम शिरोमणि, आपको भगवान का दर्शन करना हो तो नारद के दर्शन करो, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। परम वैराग्य संपन्न अहिंसा के प्रतिमूर्ति, परम साधुता में स्थित वो व्यक्ति के आपका झगड़ा लगाएगा। केवल इन कथाकारों को चाहिए था कोई हंसाने वाला पात्र, तो नारद को बना दिया। और यहां पर भी मैंने आपको पहले भी दशम स्कंद में सावधान किया,
ये कमल का फूल पता नहीं लोगों ने कहां से लाया, भागवत में नहीं है वो। नारद जी महाराज जी ने परिचय कराया नारायण, मैं आपको अब एक छाया आपके सामने नक्शा रख देता हूं। आकाशवाणी ने क्या बोला था, अश्यास्त्वा मष्टमो गर्भो, आठवें संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे। लेकिन वो आठवीं संतान क्या होगी वो आकाशवाणी नहीं बोला था, वो मनुष्य होगा, गंधर्व होगा, यक्ष होगा, देवता होगा, भगवान होगा, कौन होगा ये आकाशवाणी ने नहीं बताया था, परिचय नहीं था वहां। लेकिन जब नारद जी महाराज जी आए तो नारद जी महाराज जी ने परोक्ष प्रिया ही देवा परोक्ष वाणी बोली। क्या परोक्ष वाणी, वो कमल उमलों का फूल नहीं। नारद जी महाराज ने कहा बेटा सावधान, असुरों के अत्याचार से ये पृथ्वी बड़ी पीड़ित हो गई है, भगवान का अवतार होने वाला है, इतना बोल के चले गए महाराज। और उसके बाद फिर कंस के मन में उस आठवें में भगवत भाव का जागरण हो गया, आठवा और कोई नहीं भगवान है, आठवा भगवान है। आठवें में भगवत भाव का जागरण नारद जी महाराज जी के दर्शन के बाद हुआ। यदि नारद जी महाराज जी नहीं आते तो आठवें में भगवत भाव का जागरण कभी नहीं होता। और उसके बाद नारद जी महाराज जी आने के बाद जब वो याद कर रहा था ना आठवें को, तो भगवान के रूप में अपश्यत तन्मयम जगत, वो कृष्णमय विष्णुमय देख रहा था। तुमने भेजे और सब गए वापस नहीं आए, तुमको इतना भी पता नहीं चला, तुम्हारे गुप्तचरों से तुम्हारे जितने भी असुर कहां तक पहुंचे, गोकुल तक, और उसके बाद यद्गत्वा निवर्तन्ते गायब। इसका मतलब तुमको मारने वाला और कोई नहीं है, ये गोकुल में रहने वाला कृष्ण, और यही वसुदेव और नंद बाबा का बालक है, और ये भगवान है, भगवान तत्त्वमसि यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा। नारद जी महाराज जी दोबारा जब आए तो भगवान का परिचय हो गया नारायण, ओहो यही भगवान है। अब वो बात अलग है, उसने स्वीकार नहीं किया, साधना की कमी हो तो गुरु के उपदेश भी फलित नहीं होते हैं। हमारे अंतकरण में समझ की योग्यता ना हो तो गुरु कितना भी बड़ा उपदेश करे तो वो बात समझ में नहीं आती है, ये हमारी कमी है, ये गुरु के उपदेशों की कमी नहीं है। लेकिन वो उपदेश भी व्यर्थ नहीं जाते, उसका फल मिलता है। यहाँ कंस को भी फल मिला, आज वो याद कर रहा था आठवें को, माने भगवान को याद कर रहा था। अब वो सोचने लगा कि मैं उस आठवें को जो भगवान विष्णु का रूप है अवतार धारण किया, मैं कैसे मारूं। तो उन्होंने योजना बनाई नारायण मथुरा में लाने के लिए, अक्रूर जी महाराज जी को भेजा, और भेज करके नंद बाबा बलराम जी महाराज सारे लोगों को वृंदावन से मथुरा बुलाया। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में प्रवेश करने लगे नारायण, यहाँ बड़ा सुंदर प्रकरण है, अब इसको छोड़े बिना कोई गति नहीं है। भगवान मथुरा में प्रवेश कर गए, भगवान ने हजारों सैनिकों को मारा और वहां धनुष रखा था उसका भंग कर दिया। दूसरे दिन सुबह सभी लोग पहुंचे जहां पर बड़े बड़े असुर लोग, बड़े बड़े पहलवान लोग कुश्तियां लड़कर कंस को प्रसन्न करने वाले थे अखाड़े में। भगवान श्याम सुंदर भी वहां जाने लगे। कोलियापीड नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए आया द्वार पर, उसको भगवान ने मार दिया, भगवान अंदर प्रवेश कर गए। और वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज दोनों के साथ मुष्टिका और चानूर ने मलयुद्ध की घोषणा कर दी, और उस मलयुद्ध में भगवान ने सारे असुरों को मार दिया, पहलवानों को। ऊपर बैठा था कंस, आरो कंस जोर जोर से बोल रहा था नारायण मारो पकड़ो इसको, लेकिन भगवान श्याम सुंदर मचान के ऊपर गए और कंस को पकड़ा भगवान ने और नीचे गिरा दिया। भगवान उसके ऊपर कूद गए और उतने में ही कंस का उद्धार हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर कंस को मार करके मथुरा के राजा नहीं बने, उन्होंने अपने नाना को उग्रसेन को राज्यभिषेक करके राजगद्दी पर बिठा दिया, हाथ जोड़ के खड़े हुए
और भगवान ने कहा आप हमारे सम्राट हैं, हम आपके सेवक हैं। भगवान श्याम सुंदर कारागृह में जाके अपने माता पिता का उद्धार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर उज्जैन चले आते हैं, उज्जयिनी सांदीपनि आश्रम में, और वहाँ केवल 64 दिन रहते हैं। भगवान विद्या को अध्ययन करके वापस आए और भगवान ने उद्धव जी महाराज जी को गोपियों को संदेश देने के लिए वृंदावन भेजा, अक्रूर जी महाराज जी को इंद्रप्रस्थ का संदेश लेने के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। भगवान श्याम सुंदर अब अपने साम्राज्य को मजबूत करने लगे, धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी वो दोनों चली गई। मगध का सम्राट जरासंध उनका पिता था, भगवान के ऊपर 70 बार आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान ने 17 बार उनको परास्त कर दिया। काल यवन का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, 18वीं बार जरासंध भगवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता था लेकिन भगवान को युद्ध पसंद नहीं है, भगवान हमेशा युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने से आदमी की ताकत समाप्त हो जाती है और उस समय फिर समाज की ताकत खत्म हो जाती है और वो अपने समाज और राष्ट्र का विकास नहीं कर पाता है, इसलिए आदमी को बहुत लंबे संघर्ष से बचना चाहिए। यदि विकास चाहिए तो संघर्ष से बचना चाहिए और संघर्ष से बच के यदि विकसित हो सकते हो तो संघर्ष से तो बचना ही चाहिए। भगवान ने निर्णय लिया कब हम मथुरा में नहीं रहेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर चारों ओर नारायण विशाल एक नगरी का निर्माण किया, जल के अंदर 48 कोस चौरस चौरस थी वो, समुद्र के अंदर एक विशाल नगरी का निर्माण किया भगवान ने, चारों वर्णों के लोगों को भगवान ने भेज दिया द्वारका, कृष्ण भगवान बलराम जी महाराज मथुरा में थे, जरासंध ने आक्रमण कर दिया, भगवान भागे वहाँ से और भगवान चले गए नारायण द्वारका। जरासंध को लगा कि रास्ते में उसने जंगल में आग लगा दी थी, उसमें जल के मारे गए, वापस आ गया वो। भगवान श्याम सुंदर अब द्वारकाधीश बने, विशाल उस नगरी में भगवान श्याम सुंदर रहते थे नारायण, वो कोई सामान्य नगरी नहीं थी, अनर्त देश था वो, बहुत बड़ा, वो तो राजधानी थी भगवान के समुद्र के अंदर द्वारका, साम्राज्य बहुत बड़ा था, अनर्त देश था, अनर्त देश के राजा रैवत थे, उन्होंने अपने बेटी रेवती का विवाह बलराम जी महाराज जी के साथ कराया और वो सारा का सारा राज्य उपहार के रूप में भगवान को प्रदान कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के साथ नारायण विवाह रुक्मिणी का हुआ, ये भी बड़ा मजेदार प्रसंग है। रुक्मिणी ने भगवान को चिट्ठी लिखी, उसका एक कारण था हमारे सनातन धर्म में एक ही बार विवाह होता है, ये जो डाइवोर्स और ये तलाक हमारी परंपरा नहीं है, केवल हिंदुस्तान में सती पतिव्रता ये शब्द है, दुनिया में कहीं भी शब्द नहीं है। अच्छा एक बात मैं बोल ही देता हूँ स्वामी जी महाराज, अब स्वामी जी का आशीर्वाद भी अपने को लेना है। ये पतिव्रता केवल स्त्रियां नहीं होती है, पतिव्रता पुरुष भी होता है। पतिव्रता माने अपने पति को छोड़कर नहीं जीने की भावना, इतना प्रेम पराकाष्ठा का, इतना प्रेम है कि हम अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, और ये प्रेम संभव है कि नहीं? हाँ संभव है, यहां जितने भी लोग हैं ना सब में संभव है। यहां प्रत्येक माता ने अपने पति को जरूर बोला होगा तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यहां जितने भी माता हैं उन्होंने कम से कम एक बार तो जरूर बोला होगा तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, ऐसा बोला होगा, होगा? अच्छा चलो, यही तो प्रेम, यही तो पतिव्रता, और क्या है?
अपने पति के प्रति जो अगाध प्रेम है उसके बिना नहीं रहे, वही तो पतिव्रता है और कुछ नहीं है, घबराओ मत। वो सती जाना ये तो वो बहुत दूर की बात है, वो है ही नहीं। वो तो केवल आपत्काल में अपने शरीर की धर्म की रक्षा करने के लिए हो। ये भाव पुरुष में संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। या हमारे एक महापुरुष बैठे हैं अपने गाल में हाथ लगा के, इनका नाम क्या है, नाम क्या उनका, चश्मा लगाए आपने अखाड़े को भेंट किया जिनको, क्या नाम है, नाम क्या है उनका, रवि कुमार जी जो हमसे संपर्क में रहते हैं, रवि कुमार जी की पत्नी ने इनको जरूर बोला होगा, ये खादा बाल तो जरूर बोला होगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, जरूर बोला होगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ रवि कुमार ने भी अपनी पत्नी को जरूर बोला होगा कि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता हूं। हाँ ये भारत देश है, नारायण शादी होने के बाद पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता है, तुम्हारे बिना हम नहीं, बुरा नहीं है, इसको आसक्ति मत मानो, ये पति पत्नी का आदर्श प्रेम है। और इस प्रेम को इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ, घटाओ मत इसको, बढ़ाओ, ये आसक्ति नहीं है। आपका जितना प्रेम बढ़ेगा जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा वो दया करुणा के रूप में बदल जाएगा, वो धर्म है, पति पत्नी का प्रेम परम धर्म है। ये पुरुष में भी है स्त्री में भी है, इसलिए अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं पतिव्रता पुरुष भी होते हैं स्त्रियां भी होती हैं, ये दोनों भाव है उसके अंदर का। और यहां केवल एक ही बार शादी होती है, इसलिए शादी के पहले थोड़ा सा ठोक पीट लेना चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए ये स्वयंवर क्या, यही तो है स्वयंवर, माने शादी करने के पहले थोड़ा सा देख लेंगे, स्वयंवर माने स्वयंवर खुद उसका चयन करना या जो पसंद का है उसको स्वीकार करना। अभी भगवान श्याम सुंदर को सुना और सुनने के बाद रुक्मिणी ने निर्णय किया कि मैं भगवान को स्वीकार करती हूँ, एक ही जीवन में केवल एक ही बार स्वीकार करना है पति के रूप में। और वो सार्थक था, वो बहुत सनातनी परंपरा की धार्मिक भावना थी, ये आजकल जो लेटर लिखते हैं वो नहीं है, आजकल तो लोग कई लेटर जेब में लेके चलते हैं, इधर एक लेटर है इधर एक लेटर है इधर एक लेटर है इधर एक लेटर है, वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, वैलेंटाइन डे में कोई एक को गुलाब थोड़ी दिया जाता है, उस दिन तो बहुत सारे गुलाब खरीदे जाते हैं और हर जेब में दो चार गुलाब पड़े रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को गुलाब देना है हैप्पी वैलेंटाइन। ये हमारी सनातनी परंपरा नहीं है, एक व्यक्ति केवल जीवन में गुलाब पाने का केवल एक व्यक्ति है बस, अब वो कौन होगा, वो केवल एक ही व्यक्ति होगा जिसको हम हैप्पी वैलेंटाइन बोलेंगे और अंतिम बार, पहली बार और अंतिम बार। और वो अंतिम बार की बात थी रुक्मिणी की, आप अपने लेटर से रुक्मिणी के लेटर की तुलना मत करो, कई लोग बोलते हैं रुक्मिणी ने भी तो लव लेटर लिखा था, चलो हम भी लिखते हैं, तुम कितने लिख चुके हो अभी तक। उन्होंने नारायण भगवान को लेटर लिखा, प्रभु मैंने तुमको स्वीकार कर लिया है और तुम आके मेरे को ले जाओ, नहीं तो मैं इस शरीर को छोड़ दूं। भगवान भी समझ गए, शिशुपाल के साथ उनका विवाह होने वाला था, लेकिन भगवान पहुंचे नारायण और वहां जाकर के भगवान ने उनका हरण किया है, हरण माने बलात्, अपने शौर्य वीरता का मूल्य चुकाते हुए, पलायन नहीं है ना अपहरण अपितु हरण, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। अपहरण माने छिपा के ले जाना, पलायन माने नजर बचा के भाग जाना। रुक्मिणी ने भगवान को सावधान किया, हम पलायन नहीं करेंगे और ना अपहरण होगा मेरा, तो बोले हरण, हरण माने दिन के उजाले में सबके सामने
वीरता का मूल्य चुकाते हुए एक शेर की तरह आप मेरे को ले जाओ। वही किया भगवान ने और द्वारका में ले जाके भगवान ने विवाह किया। बोली रुक्मिणी हरण भगवान की। उसी प्रकार भगवान के और भी 8 विवाह हुए और भी 16,100 के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान की पत्नियां हैं 16,108। बहुत सारा प्रसंग मैंने छोड़ दिया वो अगली कथा के लिए। प्रत्येक पत्नी के भगवान के 8-8 पति, 10-10 बच्चे, 8-10 बच्चे। अब गिनती करते रहिए आप। विशाल साम्राज्य नारायण भगवान श्याम सुंदर का। भगवान श्याम सुंदर ने द्वारका में एक बहुत बड़ा उपवन आश्रम के रूप में स्थापित किया था। और उस उपवन में अनेकों साधु महात्माओं का आगमन होता था। नारद जी महाराज, असित, कण्व, गौतम आदि आदि और भगवान के पुत्र पौत्र जाके महात्माओं की सेवा करते थे। भगवान स्वयं जाके सेवा करते थे, चरण धोते थे भगवान, महात्माओं के प्रक्षालन करते थे, अपने पीताम्बर से पैर पूछते थे। आदर्श मर्यादा भगवान होते हुए भी साधु महात्माओं के प्रति अगाध प्रेम था भगवान का। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। एक बार की बात है, भगवान ने सांब जो जाम्बवती का बेटा था, भगवान ने कहा जाओ महात्माओं की सेवा करो। जब सांब वहां गए नारायण सेवा करते करते उनके मन में एक प्रश्न उठा। प्रश्न तो सही था लेकिन उसका उत्तर खुद देने का वो प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए वो गलत हो गया। उनको लगा कि यहाँ इतने सारे महात्मा लोग बैठे हैं, ये महात्मा है भी कि नहीं, या बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं और सोते रहते हैं। यहाँ भी कई बार लोग आते हैं और देखते हैं सारे महात्मा भंडारे के लिए भाग रहे। किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये भंडारे खाते दिन भर घूमते हैं कि कुछ साधना भी करते हैं। इस कुंभ में हजारों हजारों ऐसे साधु है नारायण, ओहो, परम वैराग्य संपन्न, ज्ञान संपन्न, श्रुति ब्रह्मनिष्ठ, आपको मालूम कैसे पड़ेंगे? नहीं मालूम पड़ेंगे। अभी शाम को भी कहां मालूम पड़ा? शाम ने सोचा कि मैं परीक्षा लूंगा तब मानूंगा ये महात्मा है कि नहीं। उन्होंने एक लड़के को लड़की बना दिया, पेट पर बहुत सारे कपड़े बांध दिए और जाकर के महात्माओं के सामने प्रार्थना की, प्रभु ये हमारी बहू है, गर्भवती है, अब ये बताओ कि इसको लड़का होगा कि लड़की। उनका अपना गणित था, वो सोच रहे थे कि महात्मा जो भी बोलेगा वो गलत, महात्मा जी बोले कि बेटा बेटा होगा तो भी गलत, बेटी बोला तो भी, एक बेटा एक बेटी बोले तो भी, दो बेटा बोले तो भी, दो बेटी बोले तो भी। महात्माओं को ऐसा वो फंसाना चाहते थे जो भी बोले वो गलत होगा और उसके बाद फिर महात्माओं का मजाक उड़ाएंगे, तुम लोग तो भोजन भट्ट हो। महात्माओं ने ध्यान से देखा, ओ अच्छा हमारी परीक्षा ले रहा है। अविनीता विनीतवत, महात्माओं ने कहा कि तुम अविनीत हो, तुमको परीक्षा लेने का तरीका आता नहीं है। आपके मन में प्रश्न उठे तो सभ्य तरीके से उसको हल करना चाहिए, उसमें असभ्यता नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई प्रश्न पूछते, अपने मन की बात उनके चरणों में रखते और उसका उत्तर महात्मा लोग बहुत अच्छी तरह से दे देते हैं। महात्माओं ने कहा बच्चों इसके पेट से मूसल पैदा होगा, मूसल लोहे का, और उस लोहे के मूसल से सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाए। बच्चे घबरा गए, वहां से भागे, दूर जाकर के पेट खोल के देखा तो लोहे का मूसल। बच्चे घबरा गए, वसुदेव जी महाराज के पास जाके उन्होंने मूसल रखा, सारी कहानी सुना दी। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि ये मूसल समुद्र में ले जाओ और वहां रगड़ के उसका आटा बना के समुद्र में बहा देना, ये हमारा क्या करेगा, आदमी का अलग गणित। लेकिन जब उसको पीसा और चूरा बना के समुद्र में बहा दिया नारायण,
पहले कितने मुसल थे? एक। आज जब उसका चूरा बना दिया तो कितना मुसल बने? लाखों करोड़ों कण बने। और वो एर का नाम के घास के जड़ों में जाके बैठ गए नारायण, और प्रतीक्षा करने लगे यदुवंशियों के विनाश की। लेकिन ये बात किसी ने भी भगवान को नहीं बताई। 125 वर्ष की उम्र है भगवान की। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है और आप अपने धराधाम को आ जाइए। भगवान ने कहा रुको, अभी थोड़ा समय बाकी है, यदुवंशियों का विनाश होने के बाद मैं अपने अवतार कार्य को पूरा करूंगा। भगवान अवतार कार्य पूरा करने की योजना बनाने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने स्त्रियों को शंखोद्धार क्षेत्र में जाने का आदेश दिया और पुरुषों को प्रभास क्षेत्र में। जब भगवान ये आदेश दे रहे थे उस समय उद्धव जी महाराज केवल एकमात्र ऐसा यदुवंशी था जो भगवान के मन को पढ़ सकता था। वो भगवान के सच्चे शिष्य थे और सच्चे शिष्य की पहचान भी यही है जो गुरु के मन को पढ़ सके। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु आप अवतार कार्य पूरा कर रहे हो लेकिन आपके चरणों का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे को साथ ले चलो। भगवान ने कहा कि उद्धव, मेरे जाने के बाद धर्म प्रचार तुमको करना है, तुमको रह करके धर्म की बात को आगे बढ़ाना है और तुमको मैं ज्ञान प्रदान करूंगा। ज्ञान, यहां 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश किया है, बहुत सुंदर उपदेश है। भगवान के तीन शिष्य हुए नारायण, अर्जुन है, उद्धव है और तीसरे शिष्य है मैत्री जी महाराज। बहुत सुंदर 11वें स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया। समय के अभाव में हम इसको विराम दे रहे हैं और भगवान ने आदेश दिया कि तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम और बद्रिकाश्रम में जा करके तपस्या करो। जो मैंने ये साधना तुमको बता दी ये साधना करो। वहाँ गर्म कुंड है, गर्म कुंड में स्नान करना, भगवान के दर्शन करना और मेरी आराधना करना। भगवान का आदेश मान करके नारायण उद्धव जी महाराज जी जाने लगे और इधर प्रभास क्षेत्र में बैठकर यज्ञ याग का आयोजन हुआ और यज्ञ याग का आयोजन होने के बाद सब लोग बैठ के भोजन करने लगे यदुवंशी। इस कथा को अब विराम मिलने वाला है थोड़े समय के बाद। कितनी आश्चर्य की बात, भगवान के वो वंशज यदुवंशी यादव लोग और वो भगवान के साथ रहने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। सारी दुनिया भगवान के तरफ दृष्टि रख के थी, दुनिया के सारे साधक भगवान को भगवान मान के वहां जाके चरण छूते थे और सारे यदुवंशी अपना रिश्तेदार मानते थे। भगवान के सामने दारू पीने लगे, भोजन के बाद दारू पी रहे थे। भगवान ने समझाया लेकिन किसी ने माना नहीं, नशा में आपस में अपशब्द बोलने लगे, भयंकर युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे, शस्त्र अस्त्र समाप्त हो गए। वो एर का नाम की घास उठा के मारते, जिसको चोट लग जाती वो सामने वाला मर जाता। सारे यदुवंशी यादव मारे गए नारायण। बलराम जी महाराज ने भी अपने अवतार कार्य को पूरा कर दिया। केवल बचे हैं भगवान श्री कृष्ण। दुबला पतला शरीर है भगवान का। आप कल्पना करो लाखों लाखों वीर
भगवान के सामने मरे पड़े हैं, अकेले बचे भगवान। और उस समय भगवान कैसे थे? सुखदेव जी महाराज जी कहने वृक्ष मूलम उपाश्रयम, अपने आत्मा में स्थित है भगवान। वृक्ष माने आत्मा, ऊर्ध्वमूल, और अपने आत्मा में स्थित होकर परम आनंद का अनुभव कर रहे हो। और वो सारी घटनाओं को भगवान स्वप्नवत देख रहे थे। आत्माधिष्ठान मैं हूं, और ये आत्माधिष्ठान मेरे में सारा स्वप्न है। और वो स्वप्न शांति का हो चाहे अशांति का, स्वप्न तो स्वप्न है। आप स्वप्न में जो भी कुछ देख रहे हैं वो स्वप्न है। आप विकास का देख रहे हो तो भी, विनाश का देख रहे हो तो भी, जीने का देख रहे तो भी, मरने का देख रहे तो भी, आत्माधिष्ठान में भगवान स्थिर है। बाहर में एक पेड़ है पीपल का, उसके नीचे बैठे हैं, बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर भगवान का, और आनंद में मग्न भगवान श्याम सुंदर। उसी समय नारायण जरा नाम का एक व्याध आता है और भगवान के पैर को देखकर उसको भ्रम हो जाता है, हिरण है, तीर मारता है। और वही तीर जो मूसल का टुकड़ा बचा हुआ था उसी का तीर बनाया गया था वो, और वो तीर भगवान के पैर में लग जाता है। दौड़ करके आता है व्याध, देखता है भगवान के पैर में तीर लगा। भगवान भी उस समय भी दया करते मारने वाले के ऊपर भी। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, दया की, तुमको मैं अपने धाम को पहुंचा देता हूं। भगवान ने उनको अपने धाम पहुंचा दिया। अभी भगवान शांति से बैठे हुए हैं। उसी समय मैत्रेय जी महाराज का आगमन हुआ। मैत्रेय जी महाराज ने भगवान के चरणों में नमन करके भगवान की आज्ञा ली, बैठ के अपने गुरु के साथ एक रूप होने का अनुभव करने लगे। और उधर बद्री नारायण भेज दिया था उद्धव जी महाराज को, उद्धव जी महाराज का मन नहीं लगा, महाराज वापस आ गए। और वो ढूंढते 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 वहां पहुंचे जहां पीपल के पेड़ के नीचे प्रभास क्षेत्र में मैत्रेय जी महाराज सामने बैठे हैं, भगवान ऊपर पत्थर के ऊपर विराज रहे हैं। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। भगवान ने देखा हाँ उठा के, ओहो भगवान तृप्त हो गए, आज दो शिष्य हैं। कितना बड़ा आश्चर्य, द्वारकाधीश भगवान, लाखों करोड़ों जिनके अनुयायी, और जब भगवान शरीर छोड़ने जा रहे हैं उस समय भगवान के पास केवल दो लोग हैं, दो शिष्य भगवान के, मैत्रेय जी महाराज और उद्धव जी महाराज। मैत्रेय जी महाराज और उद्धव जी महाराज की आंखों में अश्रु प्रवाहित थे, और वो भगवान के साथ समर्पण का भाव है, प्रभु का विरह है। आकाश में देवतागण उपस्थित हैं, फूलों की वर्षा करना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने आदेश दिया, नारायण दारू को पहले आदेश दे दिया था, तुम जाकर के द्वारका में बता देना विनाश की घटना, और अर्जुन को कहना कि वज्रनाभ एक बालक बचा हुआ है उसको लेकर मथुरा में जाके उसको मथुरा का राजा बना देना, 7 दिन के अंदर द्वारका नगरी को छोड़ना है। ये सारी चीजें भगवान ने दारू को बता दी थी पहले ही। दारू वहां से चला गया नारायण, और जैसा भगवान का आदेश था वैसे ही अर्जुन ने किया, वज्रनाभ को ला करके मथुरा का राजा बना दिया। भगवान श्याम सुंदर आनंद मग्न अवस्था में बैठे हैं, और देवता लोग देखना चाहते थे भगवान का स्वधाम गमन कैसा होगा, भगवान अपना शरीर कैसे छोड़ेंगे, ये देखना चाहते थे। लेकिन यह सुखदेव जी महाराज जी कहते आश्चर्य की बात, देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशंतम स्वधामनि अभिज्ञात गतिं कृष्ण ददृशोश्चाति विस्मिता। वहां पर एक अलौकिक प्रकाश पुंज पैदा हो गया नारायण, एक नीली रोशनी छा गई, और वो इतनी तेज नीली रोशनी थी सभी देवी देवताओं की आंखें चौंधिया गई और बंद हो गई। और वो क्षण बड़ा छोटा सा था,
जैसे आंख बंद हुई और उन्होंने खोली और उतने में ही भगवान वहां से अदृश्य हो गए, भगवान अपने स्वधाम चले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का स्वधाम गमन हो गया नारायण। यहीं तक आपकी भागवत की कथा है। सातवां दिन पूरा हुआ, तक्षक नाक डसने का श्राप मिला हुआ है राजा परीक्षित को। सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया राजा परीक्षित को, राजन और कुछ सुनना चाहते हो क्या? तुम निश्चय करो, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुम आत्मा हो, साक्षी हो। ये शरीर मरने वाला है, परिवर्तनशील है, पैदा होने वाला है। और इतना जान करके अपने आप में स्थिर हो जाओ, अपने आप में स्थिर हो जाओ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का निश्चय करो। समीक्षण, उसकी समीक्षा करो, अपने भीतर निधिध्यासन करो और स्थिर करो अपने आप में, अपने आप को स्थिर हो गए नारायण। जैसे आदेश मिला गुरु का और परीक्षित स्थिर हो गए, आंख बंद कर अपने आप में चले आए, उसी समय आत्मनिष्ठ हो गए, उनको बोध हो गया। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, और कुछ एक आधा दिन बढ़ा दूं कथा? ये जो घोषणा अर्जुन ने की थी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने 18 अध्याय गीता सुनने के बाद घोषणा कर दी थी, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आत्मस्थ हो गया हूं, अब मेरे लिए दुनिया में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, केवल एक ही कर्तव्य शेष है, वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करना। अब तुम कहोगे युद्ध करने के लिए, मैं युद्ध करूंगा, और नहीं तो मैं महात्मा बन के जंगल में चला जाऊंगा। यहां पर भी राजा परीक्षित ने यही बात बोली नारायण, बड़ी सुंदर। सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षाद अनादि निधनो हरि अज्ञानम च निरस्तम मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवताम दर्शितम क्षेमम परम भगवतः परम। मेरा अज्ञान सारा मिट गया, शोक मोह जलन घृणा ईर्ष्या सब खत्म हो गए, मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध मने ज्ञान में स्थित हूं, मैं आत्मा बन गया हूं, मैं अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पहले तो मैं शरीर था, अब मैं आत्मा हो गया हूं। अब ऐसे सैकड़ों तक्षक नाग भी आके शरीर को डसे तो भी मेरे को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो हो नहीं। और तक्षक नाग भी डसेगा तो किसको डसेगा? ये शरीर को डसेगा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं थोड़ा ध्यान करना चाहता हूं। आदेश मिला सुखदेव जी महाराज का, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, 3 परिक्रमा की, साष्टांग प्रणिपात हुए और वहां से सुखदेव जी महाराज चले गए नारायण। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जी जाने के बाद राजा परीक्षित बैठ गए हजारों हजारों महात्माओं के मध्य में, पद्मासन लगा के बैठ गए और उसी समय समाधि का अनुभव करने लगे, देह से अतिरिक्त आत्मबोध में स्थित हो गए, तत्वनिष्ठा में बैठे हुए और इतने अंतरंग अवस्था में पहुंच गए नारायण, न उनको देश का पता है और न काल का पता है। उसी समय तक्षक नाग वहां पहुंचता है और उस
शरीर को रचना चाहता है उसके पहले ही उनके पंच प्राण पंच महाभूत में समाविष्ट हो गए। तक्षक नाक के काटने के पहले ही राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। केवल शरीर बैठा था वहां पर, उनकी जीवात्मा तो परमेश्वर में विलीन हो चुकी थी। तक्षक नाग ने आकर के उनको डसा और जीव विहीन शरीर को डसकर उसको आग के ढेर में बदल गया, अग्नि में उनका शरीर जल गया। नारायण उसी को मोक्ष बोलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा की मृत्यु तक्षक के नाक के डसने से नहीं हुई। भागवत के हिसाब से तक्षक के नाक के डसने से पहले ही राजा का सूक्ष्म शरीर समष्टि में विलीन हो गया था। फिर वो श्राप का क्या हुआ? दंक्षतिस्म पुलांगा। श्राप वहां मरने का नहीं था, केवल शरीर में डसने का था। शरीर तो डसा, पूरा तो हो गया ना। शौनक आदि हजारों ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने सबके चरणों में नमन किया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे यत्पादाम्बुरोध्यानात् संहिता मध्यमाम्। सबके चरणों में प्रणाम किया सूत जी महाराज ने, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने अनुमति ली, भगवान अब मैं अपनी कथा को विराम देना चाहता हूँ। नैमिष्य अरण्य में सूत जी महाराज ने कथा को विराम दे दिया और मैं भी सभी साधु महात्माओं को नमन करते हुए, आत्मरूप आप सबको नमन करते हुए, प्रयागराज भगवान को नमन करते हुए, यमुना मैया, सरस्वती मैया, गंगा मैया, भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे बहुत सारे साधु महात्मा भागवती कथा सुनने के लिए मंच पर बैठते हैं, कुछ नीचे बैठते हैं। उनको देख करके मैं कथा बोलता था तो ज़्यादा उत्साह होता था। सभी महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। भूल से कोई शब्द मेरे मुख से निकला हो या आपका सम्मान नहीं हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे संगीतज्ञ वृंदावन से पधारे अशोक जी मिश्रा बहुत सुंदर गाते हैं, वर्षों से मेरे साथ हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप उनके नाम से भी थोड़ा ताली वाली बजाए दो। अच्छा, हमारे मनीष जी बहुत सुंदर तबला बजाते हैं, वो भी बहुत लंबे समय से हमारे साथ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कीबोर्ड पर अन्ना जी, हम लोग तो अन्ना ही बोलते हैं, हमारे बड़े अन्ना हैं, अन्ना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो इन्होंने कीबोर्ड को ऐसा बजाया कि ऐसा तो भूतों ने भविष्य, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस माइक को देखने वाले भैया जी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा माइक दिया, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जय पारस चैनल वाले भैया जी, इस चैनल के माध्यम से और बहुत धीर गंभीर भाव से बैठकर शूटिंग कर रहे हैं और पूरे दुनिया में ये कथा दिखा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज चैनल वाले कोई व्यक्ति आए थे पारस से, दोपहर को उन्होंने आके मेरे को पूछा ये कैसे चल रहा है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं, टेक्नीशियन काम बराबर कर रहे हैं। हमने कहा कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम भी बोले तो भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि टेक्नीशियन जो जानते वो हम नहीं जानते, समस्याएँ हमारी हैं, समस्या उनकी नहीं है। समय की समस्या, बारिश की समस्या, आंधी तूफान की समस्याएँ तो हमारी हैं। जय पारस चैनल को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये भी बहुत आगे बढ़े, और भी कथाएँ इनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे मध्य में
जबलपुर की माता जी आई हैं कथा सुनने के लिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर के भगत आए हैं, भरतपुर के आए हैं, जयपुर के आए हैं, महाराष्ट्र से हमारे अरविंद महाराज बड़े प्रसिद्ध साधु हैं, वो भी आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुरुषोत्तमानंद जी आए, उनको भी, शाश्वतानंद जी, पुनः से पधारे हुए हमारे सुबोधानंद जी महाराज, और ये तीनों बैठे हैं महापुरुष, ये तो हमसे दीक्षित हैं, इन तीनों को भी हमारे स्वामी ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, स्वामी परिपूर्णानंद सरस्वती जी, और दूसरे भी हमारे विजयानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी संन्यास्त हो गए, वो भी बाहर चले गए दो दिन रह के, और भी हमारे दो महात्मा संन्यास लिए वो चले गए, आलंदी पता नहीं और कहीं चले गए। तो हमारे शाश्वतानंद जी तो बहुत पुराने हमारे चले हैं ही, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योगेश भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत व्यवस्थाएँ दी। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे स्वामी जी महाराज कथा सुनने के लिए आए, आज प्रस्थान है उनका, स्वामी रंगानंद सरस्वती जी महाराज। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने बच्चों को देना चाहूँगा, इन बच्चों ने जितनी ही सेवा की है, गुरुकुल के बालक हैं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती सेवा गुरुकुल जो इंदौर में है, उस गुरुकुल में करीब 25 बालक रहते हैं, बहुत अच्छे बालक हैं, अनुशासित हैं, पढ़ने में इनकी बड़ी रुचि है, सभ्य धर्मनिष्ठ हैं। इन्होंने पूरी कथा सुनी, ध्यान शिविर में भी बैठते हैं और आश्रम की सारी सेवा भी करते हैं, और उनको चलाने वाले हमारे राय सिंह, सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और बच्चे अपने नाम से थोड़ा ज़ोरदार ताली बजाओ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोग रह गए उसको भी, नहीं रहे उसको भी। और इस कथा के मध्य में एक बहुत बड़े महापुरुष हमारे आदरणीय संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रस्थानत्रय के परम विद्वान अनिराज जी, जो आपके सामने विराज रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय हमारे आदरणीय रमा जी, ये भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और प्रस्थानत्रय के विद्वान, और दोनों की अनुपम जोड़ी, अनुपम जोड़ी। वर्षों पहले हम लोग मिले, और जब हम फरीराज जी का नाम अपने डायरी में नोट किया तो उस समय शायद मैंने लिखा नहीं होगा, उनका नाम मनी नोट किया था फरीराज एंड मनी, तो मैं मनी मनी बोलता हूँ, लेकिन हमारी रमा जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वो शाही स्नान के समय रथ पर बैठ करके कितनी खुश हो रही थी, हाँ हाँ शाही स्नान आपने किया मेरे साथ, ये तो गौरव की बात है। और अभी जो इनको रहने की भी कोई व्यवस्था हम उतना दे नहीं पाए, तो उस समय हम ऐसी व्यवस्था देंगे उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, उसके अंदर कूलर भी रखेंगे, उसके अंदर हीटर भी रखेंगे दवा के लिए, दवा रखने के लिए ज़रूरी पड़ते हैं, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होगी। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा समय ये जगह ज़्यादा मिले, बड़ा हॉल हो, बहुत विस्तार से 1,000-2,000 लोग बैठ सके। अभी हमारे गुरु काष्णी शरणानंद जी महाराज जी भी आने वाले थे, उन्होंने बोला था कि आप जब चाहे तब ले जाओ हमको, वो 3 तारीख को नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन इतने बड़े महापुरुष को आज बुला सकते थे हम, है ना, आज आते उनका जरूर आशीर्वाद मिलता, और आशीर्वाद तो मिल चुका है। मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी को आगमन हुआ, जगन्नाथ धाम के हंसाचार्य जी महाराज जी का आगमन हुआ, लेकिन मेरा मन अतृप्त है, बहुत सारे हमारे महात्मा लोग आ नहीं पाए, इसकी पूर्ति हम करेंगे जरूर हरिद्वार के कुंभ में। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश,
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमन तन्नमामि हरिं परम 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 तन्नमामि हरिं परम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। प्रयागराज धाम की, भरद्वाज जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। जय जय श्री राधे।